प्यारे बच्चों को प्रणाम। बच्चों आज हम लोग पाठ पढ़े थे दिल्ली से बंद। कल हम लोग चित्र पंचली देखे ना, चित्र पंचली देखे, आज पाठ पढ़ेंगे दिल्ली से बंद। कहाँ से पत्र? दिल्ली से। दिल्ली से पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। किसको पत्र लिख रहे हैं? पूज्य पिताजी। पिताजी को सनी पत्र लिख रहा है। पाठ पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। सेक्टर 9A नई दिल्ली, दिनांक 10/5/2015। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। और इतना सनी ने अपने पिताजी को पत्र लिखा है। कब लिखा पत्र? कहाँ से लिखा? दिल्ली से। कब लिखा? 10/5/2015 में। किसको लिखा? पिताजी को। क्या लिखा? हम परसों अंटे बिफोर टुडेज दिल्ली पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली पहुंचने के बाद में दिल्ली से पत्र लिख रहा है उनका लड़का। दिल्ली से पत्र लिख रहा है। दिल्ली को क्यों गए? विहार यात्रा, दिल्ली देखने के लिए, घूमने के लिए बिहार यात्रा गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। दिल्ली पहुंचे ना, यात्रा बहुत अच्छी रही। पिताजी को बता रहा दिल्ली में क्या क्या देखा, कैसे यात्रा किया, सब उनका लड़का सनी ने पिताजी को बता रहा है। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अब बच्चों को तो लेके जाते हैं यात्रा पर, टूर पर, बच्चों का ध्यान रखना नहीं पड़ता है। तो अध्यापक लोग बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान रखा। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। परसों पहुंचे दिल्ली को बिफोर टुडे से। तो कितना दिल्ली को दिल्ली और सैर की बैठे रहना निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। क्या देखा? कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। चाला पाक का कपड़ा इमारत है। 40 प्रार्थनाओं का महीना प्रदेश में रहे कुतुब मीनार। इसे देखकर तो मैं दंग रह गया। आश्चर्य पे बेटा कुतुब मीनार जोशी। बहुत ऊंची मीनार है। चाला इतना मीनार। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया। इसे कौन बनाया? कुतुब मीनार को अध्यापक ने बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया। सबसे दिल्ली पहुंचने के बाद में सबसे पहले टुडे दिल्ली की यात्रा टीचर साहेब नेक्स्ट डे अंटे निन्ना वीलू दिल्ली चूडानिकि मुंदु कुतुब मीनार चूशारु। ई चाला एत्तैन मीनार। दिल्ली गुलाम वंशम यॊक्क प्रथम सुल्तान
उसके बाद नायगढ़ का कटिन झाड़ देंगे। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 280 फुट की है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां मतलब मेट्रो ने पहले कराने की 290 फुट ఎత్తుంది 379 మెట్లు ఉన్నాయి। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। पैन पैन चूसे नाक वेपुला चाल अंदम दृश्या चूड़े वहां से हम लाल किला गए। कहां से कहां गए? लाल किला गए। लाल किला मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था, मैं चाल आश्चर्य पेटा। लाल किला तो लाल किला है, लाल किला में लाल है इधर घूमने का इधर किला। जैसा जैसा 15 अगस्त के दिन टीवी पर देखा था 15 अगस्त को तो लाल किले में झंडा ये जैसे हो आलू कृष्ण मैंने ये रोज दिल्ली जगह का दोस्त रहा है ना अन्य अन्य तरह का काम हो बोला नाम तो नहीं लेता तो दोस्त रहो। लाल किला तो लाल किला है, जैसा नाम वैसा किला। यह लाल पत्थर का बना हुआ है, रनी सोधोरी तैयार है। यहाँ पर एक स्थान है दीवान-ए-खास यहाँ पर स्थान बन रहा था। अरे जैसे इसकी दीवार पर फारसी की पद्धति लिखी है और दानी बोले में था फारसी भाषा तो भी राज सुन रहा था। इस अर्थ है यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है बेदाना। अब फारसी और राज सुन रहा दानी कभी नहीं कहते थे ప్రపంచ మొత్తంలో స్వర్గం ఎక్కడైతే ఉందంటే ఇక్కడే ఉంది స్వర్గము, స్వర్గం రా ఉందట। ఇసీ కిలే కే పాస్ జామా మస్జిద్ హే, ఉసీ కిలే కిలే కే పాస్ క్యా హే? జామా మస్జిద్ హే। यहाँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये जामा मस्जिद भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में लाल किले के पास है। ठीक है बच्चों, इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को कौन बनाया? शाहजहां ने, जबकि सम्राट राजा शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। बेलाहली आ मस्जिद लो नमाज तो चौदह लो। पुराने जमाने में जंतर मंतर को देखने लायक थे। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था। जंतर मंतर ने सामने हो अगर जयपुर जब नरेश राजा पटित जी लो अति दिन विशेष कर देते। इसे धूप खड़ी है हम लोग एंडा पगड़िया होंगे एंडा तो नक्सल सूर्य की किरणों की आधार था। यह आपको सही से समझ बता रहा है सूर्य नगर निर्णाम लोगों ने आवाज का टाइम साइड पे रखा छुपट देना लो। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। अकड़ इनके होंगे हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर होंगे दरगाह दर्शन करने को अकड़ होंगे। दिल्ली के आधुनिक भवन में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन इनके होंगे थे। आधुनिक भवन में राष्ट्रपति भवन संसद भवन उल्लेखनीय है। यहाँ का इंडिया गेट भी है। अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य है। यहाँ राजघाट पर हमने बापू की समाधि भी देखे, जहाँ की क्या रहते और महात्मा गांधी बापू की समाधि भी देखे। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी के गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी है। यमुना नदी रानों का दिल्ली शहर है, राजधानी होगी भारत की राजधानी नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। प्रपंच मंत्रों प्रसिद्ध मेरा नगर में दिल्ली। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। मन मोह लेना है मनुष्य दोष को लो। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। अकड़े हमने अकड़ स्पेशल इंटे छोले भटूरे अंटे दी शनिगढ़ तो नहीं चेसर तो अकड़ स्पेशल अभी मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया। मैं परसों घर लौटूंगा इंका एल्लुंडि वस्तानु टुडे सुंदु पेरु ఆ రోజు తిరిగి చూస్తారు ఇంకా చూడాలి కాబట్టి
गोस्वामी और रामधारी की लेटर आशा माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। बहन का नाम क्या है? जेनी। आपका पुत्र कौन है? सनी। सनी पुत्र है। देखिए बच्चों की पिताजी का आरोग्य इस पाठ में तो बताया नहीं गया। पिताजी का पता होना चाहिए ना, तो आप लोग क्या करना, आपके पिताजी आप दिल्ली का पता लिखो ऊपर, लेकिन नीचे पता पिताजी को पता आपके पिताजी कहाँ कहाँ पर रहे थे वहाँ का एड्रेस लिखो। पिताजी का एड्रेस के बिना पता नहीं जाता ना। पिताजी का एड्रेस आपके पिताजी आपके पिताजी कहाँ रहे थे उनका एड्रेस लिखो नीचे। ओके ना। ओके धन्यवाद। और क्या बोले तो हम लोग इस पाठ में के कुछ शब्द लिख लेंगे। ओके ना बच्चों। नमस्कार। मौसम इमारत भवन वंश कुल है पत्र उत्तरम प्रणाम नमस्कार मौसम ऋतु सैर टहलना इमारत भवन वंश कुल पुराना प्राचीन संसद भवन पार्लियामेंट प्रसिद्ध विख्यात। बच्चों ये रहे आपके शब्दार्थ। आपके लिए गुरु का होमवर्क गुरु का ये है। पाठ के सुनो बोलो में पाठ के चित्र देख के किसी एक के बारे में बताइए। चित्र देखकर किसी एक के बारे में लिखो। यहाँ पत्र किसके बारे में है? पत्र किसके बारे में है लिखो। उसके बाद में देखो पाठ का दूसरा अंश पढ़िए। दिल्ली के किस स्थान के बारे में बताया गया उसके बारे में दो बातें की। पाठ का दूसरा अंश सेकंड पेज भी दिन पे बड़ी बड़ी तेल प्यारो अभी टाइम यहाँ तक बस आप लोगों को आप लोग शब्द लिखिए इन दो प्रश्न छोड़कर लिखिए। धन्यवाद।